तो वहाँ देखा जाता है कि आप रोग कहते हैं, रोग में देखा जाता है कि लोग खाना पीना बंद कर देते हैं। ये इंडिकेट है लोगों का कि हम खाना पीना बंद हो जाए ना, मतलब आपकी पेट की शुद्धि हो रही है, आप उसे खाना ना खाए तो जल्दी से बेहतर से स्वस्थ हो सकते हैं। इसी के पैसे इसी के लिए आप डॉक्टरों के पास जाइएगा और डॉक्टर इसको रिप्लाई करिएगा, वो आपसे समृद्धि के नाम का आप अभी से अभी पैसे लेकर के आपको पैसे मिलेंगे आपसे। लेकिन मामूली सी बातें सभी ठीक हो सकते हैं। वो आपको शरीर बता रहा है आपका कि आप थोड़ा सा संयम बरते, जब भूख लगे तो खाएं, बाकी अगर बीमार पड़ते हैं तो हमारे साथ भाषा में आएंगे, सब लोग बताने के लाए हैं। हम चाहते हैं आप पीछे जब इस तरह का कहीं को माहौल बने, शादी किया का माहौल फंक्शन हो, तो हम चाहते आप लोग इस तरह का आयोजन कराए जिससे कि आप लोग के बीच में आपके घर के लोग जो बुजुर्ग है महिला है वो सारे जानते हैं सारे नशे चिकित्सा के बारे में कि कैसे उस चीजों को हम इस्तेमाल करने के बाद। आज ही हम आप लोग के बीच में गाँव में गए हुए थे अंदर में, तो देखिए उल्लू कहा उल्लू को मिला हमें, लोग बता रहे थे उल्लू के बारे में कि उसके हड्डियों को और मांस को रगा कर खिला देते हैं बच्चे को, ऐसे बच्चे जिनको हड्डिया निमोनिया है या बीमारियां है उसको रगा कर दे देते हैं तो बच्चा जिंदगी ठीक रहता है। ये अद्भुत मुझे नहीं मालूम था, सोचिए आपके गाँव के लोग हैं जो बता रहे हैं। हम चाहते हैं कि जब इस तरह आए हो तो आप उनको गाँव के निचले प्रतिष्ठित व्यक्ति में उसे लोग जो महिला बुजुर्ग है उनको लाइए और आप बुलाएंगे, उनको बुला सम्मानित कीजिए और वो बताएंगे कैसे कैसे आप लोग जिससे कि हमारी परंपरा बची रहेगी। बाकी आगे बोल रहे वंदे मातरम आप सभी को। सबसे पहले मैं राजेश भाई के पिताजी दिनेश चौधरी और राजेश भाई और उनके पूरे परिवार को कोटि कोटि नमन करता हूँ कि उन्होंने अपने उस सामाजिक समारोह में स्वदेशी चिकित्सा जागरूकता अभियान में अनमोल सहयोग दिया है, इसके लिए कोटि कोटि नमन है। उपस्थित यहाँ मेरे से उम्र में बड़े सभी को चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, जो छोटे हैं उन्हें सुभाषिस। दो इच्छाओं को लेकर हम जमीनी स्तर पर और सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं। एक पहली इच्छा कि हमारे वर्तमान और आने वाली पीढ़ी पूरी तरह से स्वास्थ्य के रूप में और समृद्धि के रूप में सुरक्षित रहे, और दूसरी कि स्वास्थ्य और समृद्धि के साथ संस्कारवान बना रहे। तो आज जो दुख दिखता है, सबसे बड़ा दुख तो यही होता है कि आज कोई भी परिवार संस्कारवान नहीं है। शायद मेरी बात किसी को सुनने में बुरी लगे, लेकिन मैं तो खुद अपने घर की बात, अपने समाज की बात, अपने परिवार में ही देख रहा हूँ कि अपनापन, अपनापन का रिश्ता, अपनेपन का वो जो भाव जो हमने दादा दादी नाना नानी के जमाने में देखा था। एक चाचा अपने भतीजे को रख के पूरा पढ़ाता है लिखाता है, उसकी शादी ब्याह करता है, वो व्यवहार। एक मौसा अपने रिश्तेदारों को रख के अपने साथ अपने जो खाता पीता है उसी में से पेट काट के सारे परिवारों को खिलाता है। आज वो चीजें विलुप्त होती जा रही है। संस्कार का सम्मान, जो कहते हैं कि पहले बड़े बुजुर्गों के सामने किसी की ऊंची आवाज नहीं निकलती थी, अगर वो कोई गलत बात करता भी था, उसके अगर खान पान में उसकी कुछ गलत आदतें भी होती थी, तो आज भी मैं कहता हूँ कि पुराने जमाने की कहो कि अगर बाप मतलब जो अगर तंबाकू या खैनी खाने की परंपरा होती है, एकदम सिंपल सी परंपरा है खैनी खाने की, ऐसे संस्कार होते थे कि अपने बड़े के सामने तो वो पता है कि खाता है, सबको पता है, लेकिन सामने नहीं होता था। अब तो एक ऐसा संस्कार हो गया है कि सामने तो क्या, अब मुंह चढ़ के भी उसी के सामने थूकते हैं। तो वो संस्कार भी बचे, हमारी स्वास्थ्य भी बचे, हमारी समृद्धि भी बचे, इस पे कार्य कर रहे हैं। दूसरी बात, कम शब्दों में धीरज भाई ने बहुत सारी बातें बताई हैं, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आज के समय में चिकित्सा क्षेत्र पूरी तरह से व्यावसायिक हो रखी है, पूरी तरह से व्यावसायिक। इसमें शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, व्यवसाय है, और यही तीन है जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने सिखाया है कि अगर घर की समृद्धि को बचाना है तो सफेद कोट, खाकी कोट, काला कोट, इनसे बचो, यानी लड़ाई झगड़े से बचो, बीमार होने से बचो और दूसरे से नफरत करने से बचो।
अगर हम नफरत करेंगे तभी कोर्ट तक पहुंचेंगे, अगर हम नफरत नहीं करेंगे तो कोर्ट तक नहीं पहुंचेंगे। लोभ मोह माया इससे बचें, तो हम ये सारी चीजों से हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें, समृद्धि की रक्षा करें, इस चीज की जानकारी के लिए। और कम शब्दों में सिर्फ दो बातें कहना चाहूंगा कि आज मैं देख रहा हूँ, एक समय था आज से 30 साल पहले कि गांव के कुछ लोगों को मोटरसाइकिल चलाना आता था, गांव की बात करता हूँ तो कुछ लोगों को मोटरसाइकिल चलाना आता था और बहुत सारे लोगों को साइकिल चलाना आता था। आज बहुत सारे लोगों को मोटरसाइकिल भी चलाना आता है और बहुतों को कार चलाना आता है, किसी को ट्रेन ट्रक बस ऐसी एरोप्लेन जैसी चीजें चलाना नहीं आता। तो क्यों ना हम इसे चिकित्सा के क्षेत्र में अगर जोड़ते हैं तो पहले की दादी नानी जो थी, सर्दी खांसी जुकाम पेट दर्द उल्टी दस्त जैसी जन सामान्य बीमारियों का इलाज अपने घर में ही कर लेती थी और अपने पोता पोती को स्वस्थ कर लेती थी और अपनी समृद्धि बचा लेती थी। तो जिस तरीके से एक साइकिल चलाना मोटरसाइकिल चलाना हम सीख गए, उसी तरीके से हम वो चीजें जो चिकित्सा क्षेत्र की जो छोटी सी चीजें थी उसे हम क्यों भूलते जा रहे हैं, उसके लिए हम क्यों किसी डॉक्टर के ऊपर प्रेरित हो रहे हैं कि वही हमारा इलाज करेगा। एक समय था, मैं अपने बचपन की बात नहीं बताऊं, आप लोगों में से सभी लोग जानते होंगे जो भी मेरे उम्र के हैं, नाक से नेटा बहता था, नाक से पानी बहता था और नाक को ऐसे पोंछते हुए स्कूल चले जाते थे। आज हमारा वही बच्चा थोड़ा सा जुकाम हो जाता है और उसके लिए हम हजारों रुपया खर्च कर देते हैं डॉक्टर के पास। तो समझदारी पहले थी या समझदारी आज है? जब पहले हमारी समझदारी, अगर हमारे बाप दादाओं ने अपने स्वास्थ्य को भी हमारे स्वास्थ्य को भी बचाया और हमें स्वस्थ भी किया, अपनी समृद्धि भी बचाई, तो आज हम छोटी छोटी जन सामान्य जो मौसम से परिवर्तन होने वाले हैं उनसे हम क्यों अपनी समृद्धि का नाश करें। डॉक्टर डॉक्टर को सिर्फ बीच आखिरी वाला शब्द जो है र और सूर्य का शब्द जो है डर, डर इन दोनों को इस्तेमाल कर लेते हैं तो डर से बना है डॉक्टर का धंधा। अगर डॉक्टरों ने अगर डर नहीं फैलाया होता, आज हमारे मन में डर नहीं होता तो कोई भी दवाओं के पीछे इतना पागल नहीं होता। तो हमें सबसे पहले डर खत्म करना है और डर के लिए आपको खुद ही चिंतन करना पड़ेगा कि जब ये डॉक्टर समाज नहीं था तब मानव जीवन था या नहीं था, तब क्या 100 साल की उम्र थी या नहीं थी, 50 साल 70 साल 80 साल की उम्र थी या नहीं थी। विगत दो दिन पहले 1 मई 2023 को मैं अपनी नानी माँ से मिला, 6 साल बाद जो 92 वर्ष की थी उनसे काफी सारी बातें हुई और 3 मई 2023 को सुबह वो अपने प्राणों को हमसे विदा ले ली और स्वर्ग में उनका स्थान मिल गया 92 साल की उम्र में। और मैंने नानी माँ के जीवन को जब हमेशा अनुभव करता हूँ तो देखता हूँ कि उन्होंने अपनी 6 बेटी 1 बेटे के पूरे कुलबे को, यानी लगभग 50-55 नाती पोते नतनी को पाला पोसा बड़ा किया और समृद्धि को हमारी समृद्धि को बचाया। और आज हमसे एक बच्चे को पालने में, अभी जो भाई जान भाई साहब ने कहा तो हमने पीछे बात करी तो उन्होंने पूछा कि उनका एक बच्चा था पैदा हुआ और 6 महीने में निमोनिया हुआ, डॉक्टरों के पास ले गए जमुई के जो बहुत बड़े डॉक्टर थे बच्चों का और 50,000 रुपये खर्च करके भी उस बच्चे को नहीं बचा पाए। तो या इसका मतलब कि मेरी नानी ने अगर हमारे 50-55 बच्चों को बचाया तो उस डॉक्टर के लाखों रुपए, उन्होंने हमारे समाज के लाखों रुपए बचाए। और अगर हम अपनी परंपराओं के ज्ञान को, अपने बड़े बुजुर्गों के ज्ञान को भूलते जाएंगे, उनको अहमियत नहीं देंगे तो यही से हम किन किन रोगों को नष्ट कर सकते हैं। तो जब हमारी तकलीफ हो और हम इसे उपयोग करेंगे तो हम स्वस्थ भी होंगे और हमारी समृद्धि भी बचेगी। कम समय में सिर्फ यही बताना चाहूंगा कि नमक से आप क्या ठीक कर सकते हैं। इसमें नमक से मिर्गी जैसी रोग को नष्ट कर सकते हैं, अपनी ताकत को बढ़ा सकते हैं, दर्द को खत्म कर सकते हैं, गठिया ठीक कर सकते हैं, साइटिका ठीक कर सकते हैं, जहर पी लेते हैं तो जहर ठीक कर सकते हैं, कोई जंगली जानवर विषैले जीव जंतु काट लेता है उसे ठीक कर सकते हैं, सर दर्द ठीक कर सकते हैं, आधे से दर्द जो माइग्रेन कहते हैं उसे नष्ट कर सकते हैं, डायरिया ठीक कर सकते हैं, माता बहनों के मासिक धर्म बंद हो जाता है उसे ठीक कर सकते हैं, मलेरिया ठीक कर सकते हैं, बुखार ठीक कर सकते हैं, किहाल किल मुहासे ठीक कर सकते हैं, धूप में झुलसना दूर कर सकते हैं, झुरिया दूर कर सकते हैं, कैंसर दूर कर सकते हैं, मोतियाबिंद दूर कर सकते हैं, लो बीपी ठीक कर सकते हैं, हाई बीपी ठीक कर सकते हैं, मोटापा से बच सकते हैं,
अमल ठीक, एसिडिटी ठीक कर सकते हैं, आंख से पानी आता है वो ठीक कर सकते हैं, जुकाम ठीक कर सकते हैं, टीवी ठीक कर सकते हैं, थकान जो थक जाते हैं वो ठीक कर सकते हैं, टाइफाइड ठीक कर सकते हैं, त्वचा की त्वचा को कोमल बना सकते हैं, चोट मोच ठीक कर सकते हैं, चोट ठीक कर सकते हैं, फोड़ा घाव फोड़ा फूसी ठीक कर सकते हैं, खुजली ठीक कर सकते हैं, दाद ठीक कर सकते हैं, डिहाइड्रेशन ठीक कर सकते हैं, बदन के दर्द को ठीक कर सकते हैं, आंखों के दर्द को ठीक कर सकते हैं, पेट दर्द ठीक कर सकते हैं, कानों की समस्या दूर कर सकते हैं, दस्त को ठीक कर सकते हैं, भूख नहीं लगता है वो ठीक कर सकते हैं, मुंह की अग्नि जो मुंह में बदबू आती है वो ठीक कर सकते हैं, भूख नहीं लगती हो अग्नि बंद हो गई हो वो ठीक कर सकते हैं, उल्टी ठीक कर सकते हैं, लीवर की समस्या को सही कर सकते हैं, बहुत प्यास लगती है उसे ठीक कर सकते हैं, पेट में कीड़े होते हैं उसे नष्ट कर सकते हैं, कब्ज हो जाता है उसे हटा सकते हैं, मुंह में छाले हो जाते हैं वो ठीक कर सकते हैं, काम में मन नहीं लगता हो वो रोक वो तकलीफ ठीक कर सकते हैं, अपच की समस्या, हिचकी, बाहों की सुंदरता, पैरों की सुंदरता, नकपीर, गले में खराश, गले में दर्द, गला का बैठना, गले में कौए का लटकना, दमा, खांसी, धतूरे के बीच का जहर, दर्द, अनिद्रा, पथरी, दांत निकलना, दांतों और मसूड़ों के दर्द, टॉन्सिल, गले में दर्द, बिच्छू कुत्ता काटना, बिच्छू का काटना, इस तरीके की समस्याओं को रक्तचाप, हाई बीपी जैसे पुत्र के लिए अगर किसी को पुत्र चाहिए उसके लिए किस तरीके से नमक का प्रयोग करें, इस तरीके से आपने देखा कि कम सम एक नमक जैसी चीज, अगर हम सिर्फ नमक को जो हमारे रसोई घर में, ऐसा कोई घर नहीं, आज मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से लगातार बिहार के घर गांव के प्रवास में हूँ और जब गांव में घूम रहा हूँ तो कई जगहों पे मुझे बताना पड़ा कि आपको हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर लेना है आपकी तकलीफ के लिए, तो उन्होंने कहा कि हल्दी है मेथी सौंठ नहीं है, तो मैं ये समझ के मेरा मन करता है कि मैं एक ऐसी चीज के बारे में ही ज्यादा बात करूं जो हर घर में हो, तो नमक से हम कैंसर तक को ठीक कर सकते हैं, कब्ज से लेके कैंसर तक को ठीक कर सकते हैं, इस बात की जानकारी हर जन जन को होना चाहिए और उस पर विश्वास करके उसको उपयोग करना, और विश्वास कैसे होगा, इस विश्वास को पाने के लिए मैं आपको एक रास्ता बताता हूँ, विश्वास लाने दिलाने का काम हम और आप कर रहे हैं, हमारे धीरज भाई पूरा स्वस्थ समृद्ध परिवार की टीम का एक परिवार है कि अगर हम किसी को चिकित्सा बताते हैं तो लोग कहते हैं कि भैया आपकी फीस क्या है, आपको क्या चाहिए, मैं कहता हूँ जी हमारी फीस ये है कि आपकी जो समस्या हुई है और आप अपनी समस्याओं में जो हमारे बताए गए उपचार से या आपके आसपास में बताए गए बड़े बुजुर्गों के उपचार से आप जो स्वस्थ हुए हैं उसका अनुभव आप ऑडियो या वीडियो के रूप में दें, क्योंकि आपका विश्वास आपके अपनाए गए उपचार से जो आपको फायदा मिला है उसे सुनकर समाज में एक जन जागृति आएगी, उनका विश्वास बढ़ेगा और जरूरत पड़ने पे वो भी उपयोग करेंगे और वो भी